वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे टिक्की, वो भी मटर की फिलिंग और चने के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं चने बनाऊंगी। उसके लिए कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने जीरे को भून लिया है। जब जीरा भून जाएगा फिर मैं इसमें सफ़ेद चने डालूंगी। चने को मैंने रात को अच्छी तरह धोकर भिगो दिया था। सुबह मैंने 2 से 3 बिसल दिलाकर चने को उबाल लिया था। जब जीरे के साथ चना भून जाएगा फिर मैं इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, रेगुलर नमक स्वाद अनुसार डालूंगी, स्वाद अनुसार लाल मिर्च, चमचू पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह मिलाऊंगी और पानी डालूंगी इसमें, जिस हिसाब से हमें इसकी ग्रेवी जो है तैयार करनी। अब ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी मैं। 1 से 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर इसमें मैं बारीक कटा प्याज और बारीक कटी हरी मिर्च है जो वो डाल दूंगी। ये हमारे चने बनके तैयार है, इसको मैं साइड पे रखूंगी। अब हम टिक्की की फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल के जीरे धनिया को भून लूंगी। फिर मैं इसमें हरे मटर डालूंगी। हरे मटर के बाद मैं इसमें डालूंगी आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने के बाद मटर को मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। जब मटर अच्छी तरह पक जाएंगे फिर मैं इसे ठंडा करने के बाद इसको दरदरा मिक्सी में पीस लूंगी। अब हम तैयारी करते हैं टिक्की की। टिक्की के लिए मैंने आलू को उबाल लिया था। छिलक उतारने के बाद आलू को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। आलू में कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। फिर मैं इसमें अरारोट डालूंगी। अरारोट डालने के बाद आलू और अरारोट को मैं अच्छी तरह मिला लूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एक बार हाथ को मैं धोकर, हाथ पर मैं तेल लगाकर अच्छी तरह मैं आलू को जो है सेट कर लूंगी। देखिए आलू जो है अच्छी तरह हमारे डो के रूप में बन गए हैं। अब मैं इसकी टिक्की बनाऊंगी। हाथों पे तेल लगाकर आलू लूंगी मैं, जिस हिसाब से हमें छोटी बड़ी टिक्की है जो बनाई है। फिर मैं इसको देखिए इस तरह से कटोरी की शेप देकर जो हमने मटर की फिलिंग तैयार की थी वो मैं इसमें देखिए इस तरह से भरकर इसको कवर कर दूंगी और इसको गोल गोल घुमाकर टिक्की की शेप है जो वो देखिए दे लूंगी। इस तरह से मैं सारी टिक्कियां जो है तैयार कर लूंगी। सारी टिक्कियां मैंने जो है देखिए इस तरह से तैयार कर ली हैं। तवे को मैंने गर्म कर लिया है और इसमें देखिए मैंने तेल डाल दिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा, जितनी एक बार हमारी तवे पर टिक्कियां आती हैं उतनी मैं इस पर डालकर हल्की आंच पर टिक्कियों को पकाऊंगी, क्योंकि हमने इसमें अरारोट डाला है। अरारोट है जो हमारा अच्छी तरह पकना चाहिए। 2 से 3 मिनट बाद मैं टिक्कियों को पलट दूंगी। देखिए इस तरह से मैं इसको देखिए इस तरह से फ्लैट कर दूंगी ताकि टिक्कियां जो है अच्छी तरह अंदर से भी पक जाएं। फिर मैं इसे हल्की आंच पर दोनों तरफ से देखिए इस तरह से पका लूंगी, अच्छी तरह कुरकुरी कर लूंगी। टिक्की हमारी बनके तैयार है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं प्लेट में चने, फिर बाद में टिक्की, इमली की चटनी, दही, आमचूर पाउडर, भुना जीरा डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी मैं इसमें, फिर मैं बारीक कटा प्याज डालूंगी। ये हमारी स्वादिष्ट टिक्कियां बनके तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।